कवर करने वाला एग्जाम्पल्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि हमारे ट्री एंड शेडोज वाले एग्जाम्पल्स है। बिफोर दैट, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ही आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारा एंड्रॉइड ऐप, जिसका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले एग्जाम्पल के साथ में। तो एग्जाम्पल कुछ ये है, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, और वहां पे एक पेड़ है जो कि अदर साइड है रिवर के, और अगर ये पर्सन उसको देख रहा है तो उसने बनाया है एंगल 60 डिग्री, तो ये बनेगा हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर वो वही पर्सन अगर 20 मीटर पीछे चला जाता है उस बैंक रिवर से, तो वहां पे एंगल बनेगा 30 डिग्री। अब हमें फाइंड आउट करना है कि उस ट्री का हाइट कितना है और उस रिवर का ब्रेड कितना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले उसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप लोग डायग्राम बना पाओगे तो आप लोग इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर इसका डायग्राम बनाओगे तो ये कुछ दिखेगा ऐसे। तो यहां पे आप लोग देख पाओगे पॉइंट बी पर्सन खड़ा है, ये हमारा रिवर है और ये हमारा ट्री है, ट्री एट पॉइंट बी है, उसका ये हाइट एच है। ओके, और ये बनेगा हमारा ब्रेथ ऑफ रिवर, ऑलराइट, और ये ए बी से लेकर सी उसका हाइट है। ओके, अब मान लो ये पर्सन ए से लेकर कुछ सी डी पॉइंट पे, मतलब 20 मीटर पीछे चला जाएगा, तो उसका नया पोजीशन बनेगा, इसलिए उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होने वाला है। तो यहां पे जो दिखेगा ये हमारा फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा। तो चलो हमारा बनाते नेक्स्ट इसकी डायग्राम। तो ये कुछ दिखेगा एज सो, पॉइंट ए पे हमारा पर्सन पहले खड़ा था, फिर 20 मीटर पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे नया वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री और स्टार्टिंग वाला है हमारा 60 डिग्री। ये हमारा हाइट ऑफ ट्री और एक्स मतलब है ये ब्रेथ ऑफ रिवर। तो हमें फाइंड आउट करना है ब्रेथ ऑफ रिवर, उसके बाद हाइट ऑफ द ट्री। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमीटर लगाऊंगा छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स और एच दोनों अननोन है, बट इन ट्रायंगल डी बी सी हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम लोग टैन लगाएंगे तो ये बनेगा 20 + x, मतलब हमारा बनेगा डी बी और ये हमारा हाइट है। तो चलो हम लोग कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमीटर लगाता हूं, दैट इज व्हाट ओनली टैन। सो ये बनेगा टैन 30 इक्वल्स टू हमारा हाइट है एच और यहां पे बेस है हमारा 20 + x। ओके, अगर हम लोग यहां पे एच के लिए सॉल्व करेंगे तो टैन 30 बनता है हमारा 1/√3 और ये बनेगा 20 + x उधर जाएगा, तो बनेगा 20 + x/√3। ओके, ये बनेगा हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोग लिखेंगे तो एच के लिए हम लोग लिख सकते हैं। तो एच के लिए क्या बनेगा, देखो फिर से मैं यहां पे टैन 60 लगाता हूं, तो ये छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर टैन 60 मतलब बनेगा हाइट अपॉन एक्स, हाइट अपॉन एक्स। तो हाइट कितना बनेगा गाइस, हाइट बनेगा x * tan 60 और tan 60 होता है हमारा √3, तो ये बनेगा x / √3, ये बनेगा x / √3, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे दोनों साइड में h है तो हम लोग इनका राइट हैंड साइड कंपेयर कर सकते हैं। तो चलो राइट हैंड साइड कंपेयर करके इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहां पे लिख देता हूं। ओके, तो ये बनेगा हमारा x / √3 इक्वल्स टू ये बनेगा हमारा 20 + x / √3। ओके, अब ये रूट थ्री मान लो इस साइड में चला जाएगा तो √3 √3 बनेगा 3 और ये बनेगा 3 times x। ओके, तो ये बनेगा 3 times x इक्वल्स टू बनेगा 20 + x, तो 3x - x बनेगा 2x और 20 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो x बनेगा 10 meters, यानी इस रिवर का जो हमारा ब्रेड था वो बन गया हमारा 10 meters। तो अब इस ट्रायंगल के अंदर हम लोग अगर यहाँ पे x का वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा हमारा हाइट कितना बनना चाहिए, हाइट बनेगा गाइस हमारा यहां पे 10 times √3 meters। ओके, तो इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, तो चलो अब देखते हैं गाइस हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। यहां पे अ ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय द विंड इन सच वे दैट इट टचेस द ग्राउंड एंड मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द ग्राउंड। At what height from the bottom the tree is broken by the wind? मतलब एक पेड़ है जिसका height 12 meters है और अगर वो कहीं बीच में से टूट जाता है तो उसका जो head है वो connect करने वाला है ground को और बनेगा angle 60 degree। Okay? अब हमें यहाँ पे पूछा हुआ है कि यहाँ पे At what height from the bottom of the tree is broken? मतलब अगर हम लोग बॉटम से काउंट करेंगे जहां से ये पेड़ कट गया था या फिर नीचे झुक गया था, हमें वो फाइंड करना है। तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप उसका डायग्राम बनाओ और इसका डायग्राम कुछ दिखेगा ऐसे। ये हमारा ट्री है और यहाँ पे ए पॉइंट पे फिक्स है, पॉइंट सी से ब्रेक होने वाला है और बी ए से लेकर बी उसकी हाइट है जो कि 12 मीटर्स है। मान लो ये यहाँ से बेंड होने वाला है नीचे तो बी कनेक्ट होगा एट पॉइंट ओ, तो हमें कुछ नया डायग्राम मिलने वाला है। ओके, बट बिफोर दैट अगर हम लोग अगर ऐसा मानेंगे कि ए सी बॉटम से लेकर जहां से ये कट होने वाला है या फिर बेंड होने वाला है इस डिस्टेंस को हम लोग अगर एक्स कहेंगे तो बी से लेकर सी कितना रहेगा, तो ये बनेगा हमारा टोटल माइनस एक्स, तो ये बनेगा हमारा
12 - x, ओके तो चलाओ उसको हम लोग नया डायग्राम बना देते हैं, ओके अब ये नया डायग्राम दिखेगा कुछ ओके अब यहाँ पे ये हमारा टोटल हाइट ए बी 12 था, अब ये इस पॉइंट से जो ब्रेक होने वाला था उस पॉइंट को हम लोग कहने वाले पॉइंट सी, तो चलो अब लिख देते ये हमारा पॉइंट सी है, तो ए सी हमारा एक्स है और टोटल ए बी था हमारा 12, तो ये बी सी कितना बनेगा 12 - x, और ये बी सी जो है यही बैंड होके नीचे यहाँ पे कनेक्ट होने वाला है, तो ऑब्वियसली बी सी का जो लेंथ रहेगा वही ओ सी का रहेगा, दैट इज वॉट 12 - x, ओके क्यों ना हम लोग यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमीटर लगा दे, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमीटर लगाऊंगा तो हम लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, कैसे मान लो मुझे यहाँ पे लगाना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे साइन ऑफ 60, साइन गाइस होता है हमारा अपोजिट जो कि हमारा एक्स है और हाइपोटेनियस हमारा 12 - x, ओके तो साइन 60 कितना होता है, ये होता है हमारा √3/2, ओके और ये कितना होगा, ये हमारा एक्स अपॉन 12 - x एज इट इज, ओके तो चलो उसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, तो 12 - x इंटू √3, तो ये √3 × बनेगा हमारा ये 12 - x और ये बनना चाहिए हमारा 2x, तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर देता हूँ, तो ये बनेगा 12 × √3 और ये बनेगा हमारा यहाँ पे √3 × x, ओके और ये 2x, तो मैं अगर x उधर लेके जाऊँगा तो ये बनेगा 2 + √3 इंटू एक्स इक्वल्स टू बनेगा हमारा 12 × √3, तो x क्या होना चाहिए, तो x इक्वल्स टू बनेगा हमारा 12 × √3 अपॉन ये बनेगा हमारा 2 + √3, हम लोग यहाँ पे √3 का वैल्यू रिप्लेस करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं और ये है हमारा मीटर्स में, तो AC कितना रहेगा, ये बनेगा 12 √3 अपॉन 2 + √3 इन मीटर्स, तो हम लोगों ने ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व कर दिया है, ओके तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल, ओके तो ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, फिर से ऐसा कुछ एग्जाम्पल है ट्री वाला ही है, और ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड, द टॉप स्टक द ग्राउंड एट 30 डिग्री, यहां पे 30 डिग्री एंगल बनाया है एंड डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर, मतलब जहां पे ये टच करने वाला है अब उस बॉटम से या फिर रूट से ये दूरी हमारी 30 मीटर है, ऑलराइट एंड हमें बोला है कि यहां पे होल हाइट फाइंड आउट करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाओ, ओके इसका डायग्राम कुछ दिखेगा ऐसे, यहां पे जो ट्री है उसका टोटल हाइट हमारा ए बी है जो बनेगा हमारा एक्स प्लस वाई, और ये सी से बेंड होने वाला है, मतलब ये बी सी बेंड होके ओ पे टच करेगा, तो बी सी इक्वल टू बनेगा हमारा ओ सी, और हम लोगों ने यहां पे बी सी को वाई अज्यूम किया है, तो ये ऐसे बेंड होगा तो बी सी बनेगा हमारा ओ सी विच इज वाई, अब ए सी का हम लोगों ने एक्स माना हुआ है और जो यहां पे बेंड होके यहां पे चला जाएगा, तो ये जो दूरी बोला है हमको 30 मीटर्स, तो क्यों ना मैं इस ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमीटर लगा दूं और इसे सॉल्व कर दूं, तो कैसे करना है देखो, अगर मैं यहां पे अपोजिट और यहां पे मैं बेस का यूज करूं तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं यहां पे tan 30 का यूज करूंगा tan वैल्यू का, तो tan 30 को सो बनेगा अपोजिट हमारा एक्स है बाय 30, और हमें पता है कि tan 30 होता है हमारा 1/√3, तो ये बनेगा 1/√3 इक्वल्स टू एक्स अपॉन 30, तो ऑब्वियसली बात है कि एक्स कितना बनेगा, एक्स बनेगा हमारा 30 अपॉन √3, ओके अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 30 मतलब बनेगा tan × √3 अपॉन √3, और 3 होता है √3 × √3, तो ये बनेगा हमारा 10 × √3 meters, ओके ये बनेगा 10 × √3 meter, ये बनेगा 10 × √3 और इसका आंसर आएगा हमारा मीटर्स में, तो ये बन गया ए से लेकर सी, मतलब यहां से बॉटम से लेकर ये वाली दूरी, बट हमें निकालना है टोटल हाइट, तो अब इस वाले ट्रायंगल के अंदर हम लोग फिर से और कुछ लगा सकते हैं, दैट इज व्हाट मैंने इस ट्रायंगल के अंदर अगर ट्रिग्नोमेट्री का यहां पे लगा दिया कोसाइन, दैट इज व्हाट कॉस 30, मान लो मैंने यहां पे कॉस 30 लगा दिया, ओके या फिर हम लोग साइन भी लगा सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अगर हम लोग यहाँ पे कॉस लगाएंगे कॉस 30 मतलब होता है हमारा एडिशन अपॉन हाइपोटेनियस, हमें निकालना हाइपोटेनियस, तो वा इक्वल्स टू बनेगा 30 अपॉन cos 30, तो cos 30 कितना होता है, तो ये होता है हमारा √3/2, ये होता है हमारा √3/2, तो ये 2 जाएगा ऊपर में, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारा 60 × √3, तो 60 मतलब होता है हमारा यहाँ पे 30 × 2, यू नो या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं ये हमारा बनेगा 3 और ये बनेगा हमारा यहाँ पे 2, 23 बनेगा हमारा 60, तो कितना बनेगा, ये बनेगा 20 × √3, ये बनेगा 20 × √3 meters, ये बन गया हमारा वाई, तो वाई का वैल्यू हमारे पास है और एक्स का भी है, तो एक्स प्लस वाई मतलब टोटल हाइट, एक्स प्लस वाई मतलब टोटल हाइट, एक्स हमारे पास है 10 × √3 और y हमारे पास है 20 × √3, अगर हम लोग √3 कॉमन लेंगे तो बनेगा 30 × √3 इज दी
टोटल हाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्री। तो ये काफी सिंपल से हमारे एग्जाम्पल है, ओके। तो हम लोगों ने इसे सॉल्व कर दिया है, तो चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो यहाँ पे बोला है द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक टावर है उसका शैडो अगर हम लोग देखेंगे बाइसन तो ये कितना दिखेगा, तो इनिशियली रहेगा 45, बट अगर यही शैडो जब चेंज होगा, जैसे हमारे यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होने वाला है बाय 42 से 30 डिग्री, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ फिर यहाँ पे चेंज इन शैडो लेंथ हमारा, ये हमारा 10 मीटर्स है। तो हमें बोला है कि फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर। तो ये वाला एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि आप लोग सबसे पहले इसका डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, ओके। तो इसका डायग्राम बनेगा कुछ ऐसे, यहाँ पे ये टावर है जिसका हाइट h है, ये सन है, ओके। सन के कारण इनिशियली हमारा जो एंगल था एलिवेशन ये बनेगा 45, ओके। और ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये वाली दूरी हमारी x थी, है ना, फुट से लेकर यहाँ तक। बट अगर मान लो सूरज ने डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, मान लो थोड़ा नीचे आ चुका है, उसके कारण हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होने वाला है, तो ये बनेगा 30 डिग्री। एट द सेम टाइम शैडो का जो लेंथ था पहले एक्स था, अब ये 10 मीटर से चेंज हो चुका है, तो सी से लेकर डी तक ये एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है, दैट इज व्हाट 10 मीटर्स। तो हमारे पास देखो क्या है, ये हमारा हाइट है ए बी, बी सी हमारा शैडो का इनिशियल है जो कि हमारा पोजीशन है, और उसके बाद सी से लेकर डी हमारा चेंज इन लेंथ, दैट इज व्हाट 10 मीटर्स। तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे फाइंड करना है हम लोगों को हाइट और ये हमारा यहाँ पे डिस्टेंस। तो कैसे करेंगे गाइस, तो आप लोग देख पाओगे अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी यहाँ पे एंगल 45 है, तो टैन अगर मैं लगाऊंगा, देखो गाइस टैन 45 बनेगा हमारा हाइट अपॉन बेस। तो हमें पता है कि टैन 45 1 होता है, तो अगर 45 का वैल्यू 1 बनेगा तो x इक्वल्स टू बनेगा हमारा h, तो x इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे h हो चुका है, जो भी हमारा हाइट बनेगा वही हमारा यहाँ क्या बनेगा, हमका बेस वैल्यू बनेगा, ओके। अब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर, दैट इज व्हाट ये वाले ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं, तो क्यों ना मैं यहाँ पे फिर से कुछ टैन का ही यूज करूँ। तो अगर मैं टैन का यूज करूंगा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो टैन ऑफ 30 इक्वल्स टू हाइट है हमारा h, और ये कितना बनेगा हमारा 10 प्लस x, या फिर हम उसको 10 प्लस h भी बोल सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी यहाँ पे उसको प्रूव किया है, तो ये बनेगा 10 प्लस h। और हमें पता है कि tan 30 होता है 1/√3, ये बनेगा 1/√3 इक्वल्स टू बनेगा हमारा h अपॉन 10 प्लस h, ओके। तो चलो उसको इस साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या होना चाहिए, तो ये बनेगा 10 प्लस h इक्वल्स टू बनेगा h टाइम्स √3, ओके, ये बनेगा h टाइम्स √3। अब हमें यहाँ पे हम लोग रूट थ्री का वैल्यू 1.73 गिवन है, तो ये बनेगा 1.73, और उसमें से ये h माइनस करेगा, तो ये बनेगा हमारा 0.73 टाइम्स h इक्वल्स टू बनेगा हमारा यहाँ पे 10, तो h इक्वल्स टू बनेगा 10 अपॉन 0.73, ओके। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ ये। सो आई होप आपको हमारे ये सभी एग्जाम्पल्स पसंद आ गए हैं। चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट में, थैंक यू वेरी मच।